मगर आखिर कुछ काम होगा तभी ना आसनसोल जा रहे हो। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ को क्यों जा रहे हो? फिर वही बात, क्यों जा रहे हो तुम्हें इससे मतलब? एक आदमी है, हालांकि वो पति है, मगर वो एक इंसान है, वो आजाद है, वो आसनसोल जाना चाहता है और जा रहा है। क्या जरूरी है कि इसकी कोई वजह हो? और हो तो भी पत्नी को बताई जाए। अरे बस जा रहे हैं क्या? अमेरिकन टूरिस्टों को शायद ख्वाब में आकर कहता है कि ताजमहल देखना। वे खुद तय करते हैं, ठीक जैसे मैंने तय किया मैं आसनसोल जाऊंगा। वो बोली, अमेरिकन टूरिस्ट पत्नियों को साथ लेके जाते हैं। गलत, अमेरिका के विधान में ऐसा नहीं लिखा कि ताजमहल देखने जाओ पत्नी बीबी को साथ में लेके जाओ। ये ले जाने को क्या है? बाज भारतीय पति भी जब आगरा ताजमहल देखने जाते हैं तो पत्नी को टांग कर ले आते हैं। वास्तव में हर भारतीय पति को जीवन में दो बार आगरा जाना चाहिए, एक शादी के तुरंत बाद वहां का ताजमहल देखने और फिर शादी के कई साल बाद जब उसका दिमाग खराब हो जाए तब मां के पागलखाने में भर्ती होने। मगर मैं आगरा नहीं जा रहा क्योंकि आगरा जाने की परिस्थितियां अभी नहीं आई। मैं आसनसोल जा रहा हूं और आसनसोल भी जाया जा सकता है। उसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं कि कोई आदमी आसनसोल क्यों जा रहा है। वह भी एक जगह है, नक्शे में है, वहां भी इंसान बसते हैं, लोग आसनसोल जाते हैं। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? लोग भटिंडा जाते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि मैं भटिंडा जा रहा हूं और आप चाहें कि तो उससे हंस सकते कि वह भटिंडा जा रहा है, और उसमें हंसने आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। उस व्यक्ति को भटिंडा जाने की स्वतंत्रता है, जैसे मैं चाहूं तो आसनसोल जा रहा। पत्नी ने कहा, लेकिन आसनसोल ही क्यों? आसनसोल क्यों नहीं? आसनसोल क्यों नहीं? क्यों नहीं आसनसोल? आसनसोल से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सही है कि आसनसोल कलकत्ता है, बंबई नहीं, लेकिन आसनसोल आसनसोल है और वो आसनसोल रहेगा। वह ठाक से आसनसोल है, कोई वहां जाए या न जाए उसके आसनसोल होने में कोई कमी नहीं आती। आसनसोल से कई अच्छी जगह है, उसने कहा, आसनसोल से कई अच्छी जगह है, होंगी तुमसे कई सुंदर स्त्रियां, मगर मैं उन सबका पता सोने नहीं होंगी उनसे कई सुंदर स्त्रियां हैं, मगर मैं उन सबका तो पति होने नहीं जा रहा। तुम जैसी हो वैसी हो, तुम्हारा एक मुकाम है जैसे कि आसनसोल का एक मुकाम है। बंबई के बंबई या कलकत्ता के कलकत्ता होने से आसनसोल के आसनसोल होने में कमी नहीं आती। आसनसोल की किसी से क्या तुलना, किसी की किसी से क्या तुलना, भटिंडा से रेवाड़ी जंक्शन की क्या तुलना? एक अमेरिकन टूरिस्ट न्यूयॉर्क से आगरा की तुलना नहीं करता। शाहजहां ने कभी सोचा भी नहीं कि ताजमहल बजाय आगरा के न्यूयॉर्क में बनवाए। वह चाहता तो बनवा सकता था, जहां इतना खर्च किया थोड़ा और खर्च करता। मगर नहीं, उसने आगरा में बनवाया, किसी को इस बात की शिकायत नहीं है। यही बात आसनसोल में, आसनसोल आसनसोल है। कहां है ये आसनसोल? पत्नी ने पूछा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कहां है, मगर मैं हिम्मत नहीं हारा, मैंने तुरंत गरज कर कहा, लोगों को यह भी पता नहीं कि आसनसोल कहां है। यह देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। आसनसोल कहां है? क्या जब सवाल है कि आसनसोल कहां है? सूरज कहां है, चांद कहां है, मैं कहां हूं, तुम कहां हो, रेवाड़ी जंक्शन कहां, आसनसोल कहां है? इस देश में ऐसे बुनियादी सवाल अक्सर उठा करते हैं, बुनियादी सवाल। लंबी चुप्पी रही काफी देर तक, फिर वह धीरे से बोली, तो कब जा रहे हो आसनसोल? मैं कभी भी जाऊं, आज जाऊं, कल जाऊं, 10 साल बाद जाऊं, यह सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ यह कि मैं आसनसोल जाना चाहता हूं और मुझे उसकी आजादी है, मैं जाऊंगा, मैं तुम्हें बिना तलाक दिए जाऊंगा। पति होने के बावजूद मेरे कुछ हक हैं और मैं लेकर रहूंगा, यह सिद्धांत का प्रश्न है। आदमी चांद पर जा रहा, मैं आसनसोल नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? सिर्फ इसीलिए कि मैं पति हूं, मैं जाऊंगा, कभी भी जाऊंगा। वह चुप रही, उससे इतना
इतना नहीं कहा गया कि हाँ तुम चाहो तो आसनसोल जा सकते हो। वह उन लाखों पत्नियों में से एक है जिनके कारण आज भारतीय पति आसनसोल नहीं जा पाता। मगर ऐसा कब तक होगा, कब तक, आखिर कब तक, कब हम स्वतंत्र होंगे, कब हम हिलने डुलने को स्वतंत्र होंगे? आज घर घर में संघर्ष चल रहा है, जहां नहीं चल रहा वहां शुरू हो जाना चाहिए। आज भारतीय पतियों की आत्माएं आसनसोल जाने के लिए तड़प रही हैं। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि वे एक दिन जरूर जा सकेंगी। इस संघर्ष में मैं अकेला नहीं हूं, मगर अफसोस है कि वे भी अकेली नहीं है। वे सारी पत्नियां उनके साथ हैं जो आज मनुष्य को आसनसोल जाने से रोक रही। वह चुप हैं, नाराज हैं। स्वतंत्रता की घोषणा करने से गुलाम रखने वालों पर यही प्रतिक्रिया होती है कि हम नाराज हो जाते हैं। कब तक रहेंगे? अरे हम जन्मे हैं तो हिलेंगे डुलेंगे, हम वैसे हिलेंगे वैसे डुलेंगे जैसा हम चाहते हैं, वैसे नहीं जैसा ये चाहती है। और एक दिन आप देखेंगे मैं जा रहा हूं आसनसोल। मगर कोई मुझे बताए कि वह दिन कब आएगा?